फ्रेंड, आज इस आईपीओ के एनालिसिस की शुरुआत कंपनी के नेगेटिव पॉइंट से करेंगे। तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी में यह है कि इसने पहली 6 महीने के दौरान पिछले साल इसी पीरियड से कंपेयर करें तो पिछले साल 885 करोड़ का लोन बांटा था, जो कि इस साल महज 295 करोड़ का ही लोन बांटा, यानी कि पिछले साल से 66% कम। तो फ्रेंड, सबको पता है अभी कोरोना के बाद बैंक हो या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो या फिर NBFC हो, सभी को लोन बांटने में दिक्कत हो रही थी। तो इसी वजह से हम समझ सकते हैं ये कंपनी में भी ऐसा ही रहा होगा। और फ्रेंड, इसके अलावा इस कंपनी में मुझे कोई भी नेगेटिव पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा। और फ्रेंड, इसके अलावा आप इस कंपनी के काम के बारे में तो जानते ही हैं, हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है, तो उस बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा। और अब तक कंपनी के 70 ब्रांचेस है। और फ्रेंड्स, जब हम किसी भी फाइनेंशियल कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो मेरा मानना है कि सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट देखनी चाहिए। तो उसमें आप यहां देख सकते हो कंपनी की नेट वर्थ 988 करोड़ यानी कि 1000 करोड़ और कंपनी का डेब्ट 2700 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसकी बैलेंस शीट, ऐसा हम कह सकते हैं। फ्रेंड, इस रेशियो का इम्पोर्टेंट क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। जितना कम बोरोइंग रेशियो होगा उतनी कंपनी स्टेबल मानी जाती है और इसके अलावा भविष्य में भी ये बहुत ही तेज़ गति से ग्रोथ करती है। इसी वजह से इस रेशियो को ज़रूर ही देखना चाहिए, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि PSU बैंक्स में अपनी नेटवर्थ से 10 times बोरोइंग हो गई है, तो वहाँ पर ग्रोथ की संभावना बहुत ही कम रहती है, यानी कि बहुत ही हाई ग्रोथ रेट से वो ग्रो नहीं कर पाती। और इसके विपरीत ठीक ऐसी कम बोरोइंग वाली कंपनियां आगे बहुत तेज गति से ग्रो करती है, क्योंकि ये जब चाहे तब बोरोइंग करके लोन दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमें भविष्य में क्या कंपनी कर सकती है वही देखना चाहिए, ना कि पास्ट का परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स, मुझे तो ये कंपनी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ नज़र आती है अगले आने वाले फ्यूचर में ग्रो करने की। और ये अभी जो लोन बांटना बहुत ही कम दिखाई दे रहा है, वो जब फिर से पटरी पर लौट आएगा तो मेरा ये क्लियरली मानना है बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करेगी, यानी कि बहुत हाईएस्ट पी रेशियो पर ट्रेड करेगी। और फ्रेंड्स, अब इसके पास्ट परफॉर्मेंस पर नज़र डालें तो मार्च 18 में कंपनी ने 134 करोड़ के आसपास का टोटल इनकम जनरेट किया था, जो कि मार्च 19 में 270 करोड़ के आसपास रहा और मार्च 20 में 419 करोड़ के आसपास रहा। और फ्रेंड, आप प्रॉफिट भी यहां देख सकते हो, जो मार्च 18 में 15 करोड़ के आसपास था वो मार्च 19 में 45 करोड़ और मार्च 20 में 80 करोड़ के आसपास रहा, जो कि बहुत ही तेज़ गति से ग्रो करी है। और इसके अलावा आप यहाँ फर्स्ट हाफ के रिजल्ट भी देख सकते हो, जो कि फर्स्ट हाफ में कंपनी ने 243 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू जनरेट की है और इसके अलावा 52 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है और 6.5 रुपये से ज़्यादा की फर्स्ट हाफ में कंपनी ने EPS दर्ज की है। और फ्रेंड्स, कंपनी की कुल IPO साइज 1153 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 265 करोड़ का फ्रेश इश्यू है और 888 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और आप इस IPO के लिए अप्लाई 21 जनवरी से 25 जनवरी तक कर सकते हो। प्राइस बैंड 517 से 518 रुपये और इसके अलावा लॉट साइज 28 शेयर कराएगा और आपको टोटल अमाउंट 14,504 रुपये की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और फ्रेंड, इस IPO में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो अगर इस साल की EPS हम 13 रुपये गिन ले पूरे साल की और 518 का प्राइस ले ले तो ये 40 के PE मल्टीपल पर हमें मिल रहा है, जबकि इसका कॉम्पिटिटर आवास फाइनेंसर को माना जाता है, वो भी 60 के PE रेशियो पर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ हमें 200 से 250 रुपये का लिस्टिंग गेन होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में ये सर 100% रखने लायक है हमारे पोर्टफोलियो में, तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिस्टिंग गेन के लिए भी इस शेयर को सब्सक्राइब कर सकते हैं।